मैं पहले कह रहा हूँ मुझे आपके जज्बात का एहसास है, बात समझने की कोशिश करें। आप लोग होटल मैनेजमेंट के आफ्ताब ने ये कहना कि मैं तो मेल मंडी का मियाद ही नहीं होने दे। आपने अपनी पग को दाग नहीं लगने दिया, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। तो यार आज वो दिन आ गया जिसका था सबको इंतज़ार, आज है जुमे के दिन और हम सब लोग जा रहे हैं एहतजाज करने हैं दुमेल मंडी। पिछले एक महीने से ये हमारा रोला चल रहा है। अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, मिलते हैं आपको उधर जाके। चेक करो यार माशाल्लाह दुमेल नहीं हम कटी होनी पिया ले ले। अस्सलाम वालेकुम जी नासिर भाई, क्या हाल है, ठीक हो? चेक करो जी सारी आवाम इकट्ठी होने वाली, माशाल्लाह सारी आवाम इकट्ठी हुई है। कुछ और आवाम इकट्ठी होती है तो फिर इंशाल्लाह ताला निकलते हैं हम। चलो जी दुआ खैर होने लगी ने जो करा होना बाकी जिस टाइम असि दसा फस दसा सारे परेशानी वाले मिल के रोड तक पहुंच जाएगा। कुछ आवाम जा रही है ट्रेलों पे और कुछ जा रही है जी मोटरसाइकिल पे। तो यार आवाम निकल रही है सारी, कुछ बाइकों पे, कुछ सुजुकियों पे, कुछ ट्रेलों पे। अभी आवाम आ रही है, अभी जानवर वगैरह लेके लाल असद लोग अरसलान लोग भी आ रहे हैं, सारी आवाम आ रही है माल मवेशी लेके। अरे सर नहाना सुन ले जी, आवाम इकट्ठी हो रही है आस्ते आस्ते रोड पे, तो काफ़ी ज़्यादा आवाम आई है जी माल लेके। अभी और आवाम भी आ रही है पिंडी वाली साइड, हालांकि टाली अड्डा उधर है, उधर से आवाम काफ़ी आई है माल मवेशी लेके, और इधर से भी आ रही है। और आवाम आ रही है दुमेल की, ये सारी दुमेल की आवाम। सारी आवाम इकट्ठी हुई है, ये एलिया पुलिस और पंजाब पुलिस गाड़ियां आ चुकी हैं और हमारी आवाम ये जो फाइनल अलामी है वो तो किबला शाह साहब हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो जारी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुमेल मंडी में जो इकट्ठ हुआ था वहां पे किबला शाह साहब ने एक बात की थी कि दुमेल मंडी हमारी पग है, आपने अपनी पग को दाग नहीं लगने दिया, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इंतजामिया भी देख ले, कैटल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी वाले भी देख ले कि दुमेल मंडी अपनी पूरी आबोताब से लगी हुई है, और एक नई मंडी जिसका ऐलान आपने किया था, मजाक और लतीफा ये है कि वे खुद वहां पे इंतजामिया के लोग भी नहीं पहुंच सके। बहुत बड़ी जाति है, आवाम जाति है, लोग जाति है, इस जाति किसी वक्त में से बर्दाश्त न कर सकते। महंगाई अंग्रूज थे वे, आज लोग तो पिसे हुए ने। हजरत पिछले महीने बिल आया 10,000 15,000, लोगों ने काफी मेरे ने फोन से गल की थी कि यार बाहर निकलो, आज ऐसी इन लोग भी हैं मिस्कीन जिन्हें खाने रोटी नहीं लगनी, 10-15 हजार बिल दे रहे हैं। हजरत मोहतरम तुसी दे कुछ नहीं सकियो, ते जो कुछ आया अभी छिन्न पायो, ये ऐसे छिन्न ना देसा इंशाल्लाह ताला। लालिया ना चाचा मामे ना सब तो अच्छी, और मैं नहीं खुशखबरी चीज़ एक मुबारकबाद ने मुस्तहिक को तुसी सारे इस जगियती ना सारे मुजाहिरा की था,
और मंडी की बाकायदा हो के आनी पी, बड़ी तरीके नाल चलनी पी, कोई किसी ऐसी कोई रुकावट कोई नहीं, ट्रैफिक आसानी नाल चलनी पी और बेहतरीन निज़ाम उसमें चलना। और इससे असी हुकूमत के वक्त अगर दरखास्त ही कर सकते हैं कि लोगों से आसानियाँ पैदा करो, लोगों ने मोह चो निभाले ना चलो, अगर टाली अड्डे से मंडी लाना ही उड़नी चाहिए। और इस से तुसा मैं ई अंदर सोर्सेज ने दसनी हाँ कि कैटल मैनेजमेंट के आफ्ताब ने ई कहना कि मैं दोमेल मंडी कामयाब ही नहीं हो दे। दोमेल मंडी है कह कामयाब करना, तुसा लोगों कामयाब करना, तुसा लोगों ने इतिहाद कामयाब करना और वो इतिहाद जेड़ा इस असन इलाके से जरूरी वे और तुसा उसी बेहतरीन मिसाल दे दी। असा उस टाली अड्डे की जी मंडी उस बिल्कुल एतराज़ नहीं, लेकिन उसा किसी और दिन से मुख्तस करवाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश काम करनी पी, जेड़े एक इलाके ने लोग आपस से तकसीम करने पे, एक इलाके ने लोग आपस से लड़वाने पे और तुसा बिल्कुल अपना पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई किसी ऐसे रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जिस वेले असी सारे इस तरह मुतहद हो सा, इंशाल्लाह असनी मंडी असा कोल ही कायम दायम रहसी, जिस तरह सत्तर साल तो रवान दवावे, अज भी असी उस चीज़ हाँ अगो मिलते बंदे भी हैं, मम्मी बहुत सारे दिहाड़ी मशरे देने, वो इंज कर गिने इंज कर गिने, असी सोचे ने रहने उन्होंने सुनने रहने, लेकिन फैसला तो इन्ना असा पता असा अड्डे इलाके ने मफाद है इस तौरे और इन्हें वैसे भी असा आगे मतराई मऊ आई सलूक अड्डे ने असा आगे दिता कि नहीं, लेकिन मंडी यकीन करो आपको इस अलावा अड़को के हुए हर साल ये नाने नड़को कुछ ना कुछ गिन की वह ना ना असा कोई फैक्ट्री लाई वे चलो जी अड्डे चार जाको तो मुलाजम वजो मैं 24 साल हो गए सियासत कर रहे हैं, इन्हें मुख्तलिफ वडेरे को गए मुख्तलिफ जाकर ने कागजी जमा कराने रहे हैं, भर्ती तो है कुछ नहीं किया इस वास्ते मैं उन्हें बिल्कुल वाजे पैगाम पे देना कि उसा घड़ी घड़ी बहन रहे पढ़ो असा तो कम अज कम आया आना, मैं तो कल भी पिंडियो रात मुड़ गया बहन लगा पे मां आया आ गया कामयाब न बनाया वे बल्कि ई मुहब्बत ई इतिहाद असन इतने नजर आवे और कल कल जी गैर कानूनी काम करने पे साडा ना इस्तेमाल करके टाली अड्डी मंडी कामयाब करने पे असी उस सारे मिल के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तामन नाल मदद नाल मुहब्बत नाल असी उस तो अलग कानूनी कार्रवाई करने ना हक महसूस करेगा। लगवा के भी मंडी लगाए गए, आज साबित हो गया है मंडी लग गई है। अगर आप लोग कमिश्नर साहब अगर आप लोग अभी मिल बैठ के इस कमेटी को एतमाद में लेके दुमेल मंडी को बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर याद रखें आधी रात को हम अपने ऊपर से रजाई किसी को उतारने नहीं देंगे, फिर हम दोरे बाजू पे ये मंडी लगाएंगे, आज भी लगाएंगे, अगले जुमे को फिर लगाएंगे, अगले जुमे को फिर लगाएंगे। और अगर हमने देखा कि खुंडा मंडी वही की वही चल रही है तो एक दफा ऐसे भी हो सकता है कि ये सारा ग्रुप उधर चला जाए और उस मंडी को वहां से बंद करके वहां से भी लोगों को उठा के यहाँ पे ले आए। हम कब तक इन जवानों के जज्बात को कंट्रोल करेंगे? एक वक्त आएगा कि हमारे ये नौजवान मुश्तैल होके फिर ये वो काम करेंगे जिसे कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे पता है जो जहाँ पे चोट लगी हुई है, मुझे पता है आप लोगों के जो कैफियत है, मैं एहसास करता हूँ उस बात का, लेकिन यकीन जाने हम भी चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ अपने इंतजामियों को अपने DCO साहब को ये बात एहसास करना चाहिए, ये कहाँ की एक गेम हो रही है, ये ब्लफ गेम है हमारे साथ। मैं पहले कह रहा हूँ मुझे आपके जज्बात का एहसास है, बात समझने की कोशिश करें आप लोग, मैं किसी बोल रहा हूँ मुझे जाती कोई गर्ज नहीं है इस मंडी से, मैं आपकी नुमाइंदगी से कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने कैसे डील करना है, प्लीज मेरे से बदर किया जाए, यहाँ से निकाला जाए।
इंशाल्लाह अगर आपकी ताकत मेरे साथ रही, मैं यकीन करता हूँ मुझे पता है कि कैसे डील कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज द प्रॉब्लम, मुझे पता है सब कुछ। लेकिन हमने बड़े आस्ता आस्ता तरीके से हम चल रहे हैं आगे। हम पुरमन हैं लेकिन एक लिमिट तक, एक हद तक हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज हमारा ये पैगाम मैं DCO साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये क्या बात हुई कि आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ठेका उन्हें दे रहे हैं, एमडी वो का काम कर रहे हैं और आप कहते हैं आप मंडी लगा लें। हम ऐसे मंडी नहीं लगाएंगे। हम मंडी तब लगाएंगे अगली मंडी जब हमारे पास उस कैटल मार्केट के ऑर्डर को कैंसिल किया जाएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह तो मेल मंडी लगाएंगे। शाह जेह साहब ने बोला है कि बर्दाश्त करें, लेकिन आवाम नहीं बर्दाश्त कर रही, कह रही है हम रोड ब्लॉक करेंगे। बस अल्लाह खैर ही करे जी, अब क्या होता है, आवाम बड़ी गुस्से में है, कह रही है हम रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन बड़े गुस्से में है यार। हर बंदा कह रहा है यार जी कि उधर हमारा टाइम जाया हुआ है, हम तो रोड ब्लॉक करने आए हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। अगर जी देखा जाए तो मतलब ठीक रहा यार जी, रोड ब्लॉक नहीं किया पहले, पूरा अमन तरीके से आराम से जरा बातचीत चलती रहे, ठीक है। अगले रोड ब्लॉक करना तो आसान है, लेकिन आगे भुगतना बड़ा मुश्किल है। अभी सीधी बात यह है कि अभी चलते हैं, बाइक लेके जाते हैं दुमेल मंडी का, आपको मॉल दिखाते हैं। ये चेक कर रही दुमेल मंडी उसी तरह लगी हुई है बिल्कुल। ठीक ठाक लगी मंडी, जी अस्सलाम वालेकुम। चेक करो जी उसी तरह आवाम आई हुई है, मेल मंडी लगी हुई है।